जो मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। इसमें से आपने आंच का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा कम ना हो। और बेसन आप स्प्रिंकल करना है मसाले के ऊपर, और मैरिनेशन के बाद आपने बेसन लगाकर इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सारा पानी के साथ निकल जाएगा। जब आपने 5 से 6 घंटे के बाद आप फ्राई करने से बिल्कुल पहले आपने इस पर बेसन लगाना है। देखिए मज़ेदार सी लाहौरी फिश फ्राई रेडी हो चुकी है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।